नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सीटेट का रिजल्ट फरवरी के महीने में ही जारी हो सकता है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है और छात्रों के अंक भी बढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिया करिए, लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। पहले आपको ये खबर दिखाते हैं, आखिर ये खबर क्या है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। सीटेट का रिजल्ट इस हफ्ते होगा जारी। 17 तक ली गई थी आपत्तियाँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, 17 तारीख तक, 14 फरवरी से 17 फरवरी तक आपकी आपत्तियाँ ली गई थी। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, सीकर की खबर है ये, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जल्द ही सीटेट 2022 का परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार दिसंबर सत्र के लिए CTET यानी कि सीटेट परिणाम 2022 CTET.NIC.IN पर देख सकेंगे। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी तो आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपना रिजल्ट देख पाएंगे। सीटेट 28 दिसंबर 2022 और 7 फरवरी 2023 के बीच हुई थी। इसकी उत्तर कुंजी 14 फरवरी को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 17 फरवरी 2023 तक जो आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई गई थी। उसके अलावा जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट तो आपका इसी महीने आ जाएगा ये मान के चलिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है आप लोगों के लिए कि 24 तारीख को कैबिनेट की मोहर लग जाएगी नियमावली पर। बिहार शिक्षक भर्ती में जो नियमावली आने वाली है वो 24 तारीख को लग जाएगी, क्योंकि जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है 24 फरवरी, उन्होंने बताया है कि 24 फरवरी को नियमावली में मोहर लग जाएगी कैबिनेट की, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो सबसे अच्छी खबर ये है कि बिहार वाले छात्रों के लिए इस बार सीटेट का रिजल्ट भी उनके पास आ जाएगा और जो नई शिक्षक भर्ती बिहार में होने वाली है 7वें चरण की, वहाँ पर भी वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे और वो लोग आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी शिफ्टें हैं जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि शिफ्ट कठिन थी, कुछ बच्चों की आसान थी। तो जब कुछ बच्चों की कठिन है, कुछ बच्चों की आसान है, तो नॉर्मलाइजेशन करना उनकी मजबूरी होगी। लेकिन ये तो अंतिम निर्णय CBSE का ही होता है, लेकिन 1 से 2 अंक का फर्क आपको देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा हमने कुछ छात्रों को बताया था कि कौन कौन से ऐसे छात्र होने वाले हैं जिनको अंक मिलने वाले हैं और किसको किसको कॉमन अंक दिए गए हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जाके गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन के अलावा कॉमन अंक मिलने वाले हैं, कौन कौन सी वो तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से जाके आप सर्च करिए गूगल पर और आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उसके अलावा आपको बता दें जो अंक हैं कितने बढ़ सकते हैं, तो 1 से 2 अंक आपके मैक्सिमम बढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो छात्र 82 अंक या 90 अंक लेकर आए हैं, उन्होंने काफ़ी सवाल पूछा था कि क्या हम फेल हो जाएंगे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी सीटेट में, कि जो नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है तो उसमें अंक बढ़ते हैं घटते बहुत कम हैं, ये कह सकते हैं नहीं के बराबर। तो अगर आप लोगों ने आंसर की मिलाया है और आप लोग पास हो चुके हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, आप लोग क्वालिफाई हैं, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्वालिफाई ही नजर आएंगे। इसके अलावा क्या अब रिवाइज आंसर की आएगी या फिर सीधा रिजल्ट आएगा, तो पिछले वर्ष की तरीके अगर आपको बताएं तो सीधा रिजल्ट ही आने वाला है। जो रिजल्ट आएगा उसमें सीधा आपका स्कोर कार्ड आएगा, तो वहाँ पे आप लोग अपना स्कोर देख पाएंगे। रिवाइज आंसर की भी साथ में जारी की जाती है, तो रिवाइज आंसर की बाद में आती है, बात का मतलब एक दिन बाद आ जाए या उसी दिन आ जाए, रिवाइज आंसर की और सीटेट का रिजल्ट दोनों एक साथ आ जाए, यानी कि रिजल्ट आपका पहले देखने को मिल जाएगा रिवाइज आंसर की बाद में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि रिवाइज आंसर की आती है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी छात्र थे जो कन्फ्यूज थे कि रिवाइज आंसर की आती है या नहीं, तो आती है, लेकिन रिजल्ट सीधा आपको देखने को मिलेगा। जो रिजल्ट की तिथियाँ सामने निकल कर आ रही हैं वो 28 फरवरी तक आपको रिजल्ट आपके हाथ में देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम पहला हफ्ता जाएगा मार्च का। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और आप लोग आगे वाली जो भर्ती हैं उसके लिए एकदम तैयार हो जाएं। अगला सीटेट के बारे में कुछ छात्र पूछ रहे थे, तो अगला सीटेट इस बार जुलाई में होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, तो जुलाई में अगला सीटेट हो जाएगा। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे तो वो लोग तैयारी शुरू कर दें अगले सीटेट की, जो कि जुलाई में आपका होने वाला है। फिर भी कोई सवाल आप लोगों का है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के सवाल का जवाब दे पाएँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही तक था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।